शिकारी जानवर कितने बेरहम तरीके से अपने भूख को मिटाते हैं। इस वीडियो में कई प्रकार के वैसे बेरहम तरीके जो एक दूसरे के भूख मिटाने और जीवन जीवित रहने के लिए द्वंद्व युद्ध बल प्रदर्शन और संग्राम छिड़े रहते हैं जंगलों के बीच, इसी प्रकार की क्रियाकलापों को इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। मॉनिटर लिजर्ड वर्सेस रेटल स्नेक। रेटल स्नेक उस स्नेक को कहा जाता है जिसके पिछवाड़ा अर्थात पूंछ झुंझुने की तरह रचना में बना होता है और झुंझुने की तरह आवाज उत्पन्न करते रहते हैं। वही सांपों ने इधर उधर भ्रमण कर रहे थे और भोजनात्मक हिसाब से एक मॉनिटर लिजर्ड ने इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। तत्पश्चात दोनों के एक दूसरे के आमना सामना हो जाते हैं। तत्पश्चात वह लिजर्ड ने उस स्नेक के पीछे पड़ जाते हैं और अपने भोजन में शामिल करने के लिए वह स्नेक को अपने मुख में प्रवेश कर लेते हैं अर्थात उस पर आक्रमण कर उन्हें आधा निगलते निगलते कुछ इस प्रकार से संपूर्ण निगल ही लेते हैं उस स्नेक को जिंदा रहते ही। हाइना वर्सेस विल्ड बीस्ट। एक विल्ड बीस्ट ने अधिक से अधिक क्षतिग्रस्त होकर के जमीन पर ध्वस्त रहते हैं। उसी के बीच एक हाइना का आगमन होता है और वह विल्ड बीस्ट जो दर्द से तड़प रहे हैं और खड़े भी नहीं हो जा रहे हैं, उस प्रकार को विल्ड बीस्ट को देखकर वह अपने भोजनात्मक तरीके से उस पर आक्रमण कर देते हैं और वह जीवित विल्ड बीस्ट को तरबूज समझकर वह अपने मुख को उसके अंदर प्रवेश करा कर कुछ इस प्रकार से भोजन में शामिल करने लगते हैं और इस प्रकार की क्रियाकलाप विल्ड बीस्ट अपने नयनों के द्वारा देखते रहते हैं। फिर भी वह विल्ड बीस्ट का प्राण उस शरीर में स्थित ही रहते हैं और वे हाइना उन्हें बड़ी बेरहम तरीके से उन्हें मौत देने की कोशिश करते हैं। लाइन वर्सेस इम्पाला। शेर को बड़े छलिया शिकारी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यह कई प्रकार के जानवरों को बड़े छल से और बड़े नजदीक पहुंचकर उसके गर्दनों पर ही आक्रमण करता है और वह अपने भोजन में शामिल करता है, परंतु इस वीडियो क्लिप में कुछ अलग ही रखते हैं। जैसे कि एक इम्पाला को आक्रमण कर देता है और वह लाइनों ने उसके पीछे से ही उनके शरीर को फाड़ देता है और अपने भोजन में शामिल करने लगता है। फिर भी इस प्रकार के क्रियाकलाप होते हुए वह इम्पालाओं ने अपने शरीर से कुछ निकलते हुए अंतरी भोटी को कुछ अपनी आंखों से देखते हैं और फिर भी उसका प्राण उनके शरीर में ही रहते हैं। हाइना वर्सेस बफेलो एंड हाइना वर्सेस जेब्रा। बफेलो के एक छोटे से ग्रुप पर हाइनाओं के बड़े से ग्रुप आक्रमण कर देती है और आक्रमण के फलस्वरूप बफेलो के ग्रुपों में से कई बफेलो तो भाग जाते हैं परंतु एक बफेलो उस हाइनाओं के चंगुर में फंस जाती है। तत्पश्चात वह बफेलो हाइनाओं के ग्रुपों से बचने की कई प्रकार के कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, परंतु वह हाइनाओं की जनसंख्या हर कोशिश के फलस्वरूप बढ़ते ही जा रहे थे। तत्पश्चात वह बफेलो पराजित हो जाते हैं और जमीन पर अधिक क्षतिग्रस्त होने के पश्चात विराजमान हो जाते हैं। फिर सभी हाइनाओं ने मिलकर उनके पीछे से ही दबोचना खाना शुरू कर देता है और अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर देता है और इस प्रकार के प्रक्रिया ये बफेलो ने देखते रहते हैं कि वह हमारे शरीर को ग्रहण कर रहे हैं, भोजन में शामिल कर रहे हैं। इसी के रूप में इसी प्रकार से हाइनाओं के ग्रुपों ने एक जेब्रा पर आक्रमण कर देता है और वह जेब्रा भी किसी प्रकार के बचाव करते हुए भी वह हाइनाओं के ग्रुपों से बचाव नहीं कर पाते हैं और वह हाइनाओं के बीच कुछ इसी प्रकार के दुर्दशाओं की प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं। वाइल्ड डॉग वर्सेस वाटर बक। वाटर बक नामक जानवरों ने अपने ग्रुपों से बिछड़ते हुए इधर उधर भ्रमण करते हुए कई दूर निकल जाते हैं। तत्पश्चात वाइल्ड डॉग के एक ग्रुपों ने उसी वाटर बक के ऊपर आक्रमण बोल देती है। फिर वाइल्ड डॉग के ग्रुपों से बचने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ने लगते हैं वाटर बक, परंतु वाइल्ड डॉगों ने उसी रेस का प्रयोग करते हुए उसके पीछे आक्रमण कर देते हैं और सभी वाइल्ड डॉगों ने उस पर टूट कर आक्रमण करते हैं। तत्पश्चात वह वाटर बक ने अपना हार मान डालता है और जमीन पर बैठ जाता है। तत्पश्चात सभी वाइल्ड डॉगों ने उन्हें पीछे से आक्रमण करते हुए उनके शरीरों को दो भागों में बांट डालते हैं और सभी एक दूसरे से बांटते हुए अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं।
क्रोकोडाइल वर्सेस जेब्रा। जेब्राओं के एक ग्रुपों ने लंबे दार रचनाओं में एक दूसरे के आगे पीछे नदी पार कर रहे थे। तत्पश्चात उस नदी में स्थित क्रोकोडाइलों ने कुछ इस प्रकार के दृश्य में रचनाओं को देखते हुए उस जेब्राओं के ग्रुपों में से एक छोटे से जेब्राओं पर कम मेहनत और फल प्राप्ति की क्रियाओं में एक छोटे से जेब्राओं पर आक्रमण कर देता है। इसी के बीच सभी क्रोकोडाइलों ने उसी छोटे से जेब्राओं पर आक्रमण कर अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं और एक दूसरे से उनके शरीर पर आक्रमण करते रहते हैं। फिर उसी के बीच एक क्रोकोडाइल आते हैं और उस जेब्राओं के मुख पर ही आक्रमण कर देते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं और फिर उस जेब्रा को बेरहम तरीके से क्रोकोडाइल ने हत्या कर अपने भोजन में शामिल कर लेती है। इस प्रकार के वीडियो को देखकर आपको किस प्रकार के आनंदमय अनुभव होता है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।